नहीं जी, मसला हो गया, इस शॉप पे तो ब्लैक कलर ही नहीं मिला। ना ब्रश की जरूरत है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो फाइनली मैंने आज केज तो साफ कर लिया। आज सारा दिन केज ही साफ किया, इसको अच्छी तरह साफ किया, डिसइंफेक्ट किया, और अभी एक मसला रह गया, वो है इसको कलर होने वाला है। आज दोस्तों लाहौर में बड़ी गर्मी थी, यकीन करें अभी भी पसीने आ रहे हैं। उफ, काश थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। तो चलें अब शॉप पे जाते हैं और कलर लेके आते हैं और देखते हैं कि हमारे केज को कौन सा कलर सूट करेगा। कलर तो इसे सूट करना ब्लैक ही, ठीक है। अभी देखें ना, सारा इसको कलर शलर होगा तो फिर नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और फिर हम इसमें रखेंगे अच्छे अच्छे पैरट्स और पिजन, और फिर आप रखेंगे उनका नाम। चले आइए शॉप पे जाते हैं। तो जी व्यूवर्स, हम जा रहे हैं शॉप पे कलर लेने। तो जी दोस्तों, हम आखिर कलर लेने के लिए शॉप पे पहुंच चुके हैं, और अब देखते हैं यहाँ पे हमारी मर्जी का हमें कलर मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं जी, मसला हो गया, इस शॉप पे तो ब्लैक कलर ही नहीं मिला, अब चलते हैं किसी और शॉप पे। तो जी दोस्तों, अब नई शॉप पे आए हैं और यहाँ पे उम्मीद है कि हमें मिल जाए। जी भाई जान, ब्लैक कलर है आपके पास? जी दें भाई जान, एक दे दें। और फाइनली हमें ये भाई जान ने ये दिया है, कहते हैं जी बड़ा अच्छा होता है। भाई जान ये एक पैक कर दें फिर। तो दोस्तों फाइनली हमने कलर ले लिया है, अब जाके अपने केज को करते हैं और ब्लैक ब्लैक कर देते हैं। और फाइनली हम लोग जो है वो कलर लेके जा रहे हैं। आपका केज आज खूबसूरत हो जाएगा यार। हमारे व्यूवर जो है ना, जो हमारे देखने वाले हैं, वो आपको बहुत लाइक करते हैं। चलो 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 चलो, ये काम सबसे ईजी है। बंदा ना ब्रश की ज़रूरत है आप लोगों को, और ना ही जो है वो ऑयल की ज़रूरत है। जी 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 भाई जान। तो जी दोस्तों, फाइनली मैंने आज इसको कलर भी कर दिया, और मुझे ये तवक्को नहीं थी कि मैं ये इतना काम अकेला कर सकता हूँ। यकीन करें आज पहले दफ़ा किया है और बड़ा सुकून मिला है। थक तो गया हूँ, लेकिन इसको फाइनली मैंने कलर कर दिया और ये अब जो है नीट एंड क्लीन हो चुका है जी। तो अब वक्त हुआ जाता है जी आज के सरप्राइज का, और आज का सरप्राइज क्या था, जो हमने कल वाली वीडियो में बात की थी कि हम लेके आएंगे एक अच्छा डॉग, और वो अच्छा डॉग है जर्मन शेफर्ड। और आप लोगों के कमेंट्स में भी आप लोगों ने कहा कि जर्मन शेफर्ड लेके आए, और ज़्यादातर जो है व्यूवर्स उन्होंने कहा कि बीच लेके आए। तो हम लोग जो है वो आज सारा दिन एक बड़ी अच्छी सी बीच हम देखने गए, और बिल आखिर हमें जो है वो बीच पसंद आ गई, और अभी जो है वो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो बीच भी दिखाते हैं, और फिर उसकी फीड जो है वो भी बनाएंगे, और बाकी चीज़ें जो है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो जी दोस्तों, फ़िलहाल आज जो है वो पिंजरा तो हमने जो है वो फाइनल कर लिया है, और इसकी सफाई सुथराई के बाद इसको कलर भी हो चुका है। लेकिन अब जो मेन इशू है वो ये है कि इसमें बर्ड हमने कौन कौन से रखने हैं, और ये आपने वीडियो के कमेंट्स में बताना है, कमेंट्स करके कि हम इसमें कौन कौन से बर्ड रखें। आप देख रहे हैं ये 8 खानों वाला है, 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, और आप देखें इसके नीचे भी 4 बने हुए हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह चेक करें, तो ये 8 केजीज हैं, इसके अलग अलग 8 पोर्शन हैं। तो अब आप लोग
कमेंट सेक्शन में बताएंगे हम लोग क्या क्या रखें इसमें, हम लोग पैरट रखें, हम लोग पैरट कौन से रखें, जो आप बोलेंगे हम वही लेके आएंगे, और हम इसमें पिजन रखें और पिजन भी कौन से रखें। तो जी दोस्तों, ये आ गया हमारे पास जर्मन शेफर्ड, सो नहीं रहा, बड़ा शरारती है, बड़ी शरारती है, सॉरी बीच है, और मज़े की बात है बड़ी फ्रेंडली है। चलो भाई आजो 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 आजो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी जल्दी, इधर 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 जा रहे हो। तो बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है, बड़ा मज़ा कराती है, यकीन करें कुछ नहीं कहती। मुझे ये था जब आई है ना, तो मैंने कहा ये ना हो कहीं मुझे पकड़ ले। इधर 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 आओ, हमारे व्यूवर्स को सलाम करो, इनको कहो हाय फ्रेंड्स। तो व्यूवर्स फाइनली हमारे पास आ चुकी है ये, अब मैं इसके खाने का कुछ करता हूँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, हमने केज को साफ किया, उसको कलर कर दिया, और हमारे पास जो है ये बीच आ चुकी है जो कि जर्मन शेफर्ड है। तो इसका जो है वो आपने प्यारा सा नाम बताना है, तो इसका क्या नाम रखें। हेलो, आपका नाम क्या है बेबी? अभी नाम कुछ नहीं है, तो नाम आप लोगों ने डिसाइड करना है, फिर हम इसका नाम रखेंगे इस बीच का। तो बड़ी क्यूट सी है, ठीक है, और गर्मी काफ़ी है, मैं इसको नहलाता हूँ और इसके कूलर शूलर लगाने का बंदोबस्त करता हूँ ताकि इसको गर्मी ना लगे। आज यकीन करें लाहौर में इतनी हवस बनी हुई है ना कि जानवर भी जो है ना वो बस हो गई इनकी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि हम इसका नाम क्या रखें और अपने केजेस में बर्ड कौन कौन से रखें। तो वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि एक व्लॉग जो है वो बड़ी मुश्किल से बनता है और उसमें हम लोग आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं। तो अब जो है मैं इसके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, आप लोगों ने वीडियो कम्प्लीट देखनी है। कम्प्लीट वीडियो देखने के बाद आपने इस बीच का जो जर्मन शेफर्ड हमारे पास आई है इसका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, हम फिर जो है आपके कहने पे जो आप नाम बताएंगे हम वही इसका नाम रखेंगे। बहुत शुक्रिया आज के लिए, इतना ही, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।